बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कम्यूटेटर, एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर्स के हवाले से बात की और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज हम उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में फर्दर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दीज कम्यूटेटर एंड एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर्स। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हर्मिशियन ऑपरेटर और कम्यूटेटर को पढ़ने के बाद इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ड्राइव कर सकें, और ड्राइव करने के लिए हम कम्यूटेटर का सहारा लेंगे। हम जानते हैं कि कम्यूटेटर्स असल में क्या है, ए कॉमा बी। ये अगर हमारे पास ए और बी दो ऑपरेटर्स हों तो उस सूरत में कम्यूटेटर का मतलब होता है ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। यानी ये हमारे पास डिफरेंस है उन दोनों के कम्यूट करने के बाद ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसमें हम यही कैट और ब्रा नोटेशन को ही यूज़ करके अनसर्टेनिटीज के हवाले से कम्यूटेशन रिलेशन को यूज़ करते हुए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को और ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम पहले अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। फर्ज करें कि एक ऑपरेटर ए है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू, ये असल में दो तरह की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टैटिस्टिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन इट एज ए स्क्वायर और होल अंडर रूट। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा ए इज़ इक्वल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर। दिस इज़ द स्क्वेयर रूट, इट इज़ द ओवरऑल स्क्वेयर रूट। द डिफरेंस है इन दो वैल्यूज़ का। इसमें ये वैल्यू हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर, और अल्टीमेटली ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इसका स्क्वेयर है। यानी ए स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस स्क्वेयर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये अनसर्टेनिटी इन द ऑपरेटर आ जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जर्वेबल के अंदर अनसर्टेनिटी हम उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल का स्क्वेयर के डिफरेंस के साथ स्क्वेयर रूट लेने से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और ऑपरेटर डेल्टा बी हो, डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन बी में कैलकुलेट करना चाहें तो इसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली, बी स्क्वेयर होल टू द पावर 1/2। ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स के अंदर अनसर्टेनिटीज कही जा सकती है। और अगर हम इन दो ऑब्जर्वेबल के अगेंस्ट एक ऑपरेटर्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ए अगर एक ऑपरेटर हो और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये हमारे पास डेल्टा ए ऑपरेटर है। ये याद रखना है कि अब हम इस डेल्टा ए को ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं। और इसी तरह डेल्टा बी ऑपरेटर डिफाइन कर लें अगर, तो बी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी आएगा। जब हम इन दो ऑपरेटर्स को डिफाइन कर लेते हैं जो कि मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, और डेल्टा बी की मेजरमेंट करनी हो तो बी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी से डिफाइन करें, तो जिस तरह बाकी किसी भी ऑपरेटर को हम किसी भी स्टेट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसी तरह हम डेल्टा ए को जब हम साई के ऊपर अप्लाई करें, ये हमारे पास साई कैट के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वी गेट अनदर कैट, लेट्स से कि दिस इज़ इक्वल टू काई। और इसी तरह डेल्टा बी को जब हम ऑपरेटर साई के ऊपर अप्लाई करें, सेम कैट के ऊपर अप्लाई करें तो वी गेट लेट्स से के फाई। ये हमारे पास इक्वेशन डेल्टा ए को साई के ऊपर अप्लाई करने की सूरत में हमारे पास दूसरा कैट हासिल हो रहा है, इसी तरह डेल्टा बी को साई पर अप्लाई करने के बाद ये ऑपरेटर कैट हासिल हो रहा है। और ये
बहुत ही वेल नोन एक एक्सप्रेशन है जिसको हम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। SCHWAR श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के मुताबिक कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हों उस सूरत में उनके जो इनर प्रोडक्ट यानी हम इसको कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट भी उर्फ़ आम में कहते हैं जब हम वेक्टर्स की सूरत में लिखते हैं, तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास फाई इंटू फाई या हमारे पास काई इंटू काई, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ काई है विद इट सेल्फ और ये सेल्फ इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई। अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि फ़र्ज़ करें कि ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा होता है, अगर सॉरी यहाँ पे स्क्वेयर भी आएगा। अब अगर मैं इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख रहा हूँ और यहाँ पर इफ़ आई विल टेक द स्क्वेयर तो ये ए डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये ए स्क्वेयर असल में ए डॉट ए के बराबर, बी स्क्वेयर असल में बी डॉट बी के बराबर, यानी ए डॉट ए और इंटू बी डॉट बी इंटू कॉस ऑफ थीटा आ रहा है ना, कॉस स्क्वेयर थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी होल स्क्वेयर। अब अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर असल में ए डॉट ए है, अगर मैं इसको ऑपरेटर्स की सूरत में लिखूं तो ये हमारे पास ए इंटू ए की बजाय हमने काई इंटू काई का स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, फाई का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले लिया इनर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ कॉस स्क्वेयर थीटा आ रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमेशा वन से स्मॉलर होगी, तो स्क्वेयर की वैल्यू भी वन से स्मॉलर होगी, तो जब ये वन से स्मॉलर होगी तो अल्टीमेटली ये दोनों का प्रोडक्ट इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम वन से स्मॉलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये हासिल कर रहे हैं। तो इट मींस कि ये हमारे पास ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट को स्केयर हम हासिल करें तो ये इससे इन दोनों के सेल्फ प्रोडक्ट से के मल्टीपल से हमेशा छोटा होगा, तो इसको हम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस इनइक्वालिटी का बहुत अहम रोल होगा टू फाइंड दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। अब वी नो दैट काई कैट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा ए को साई पर ऑपरेट करने से हासिल हो रहा है, डेल्टा ए इंटू साई कैट हासिल हो रहा है, और अगर हम इसका ब्रा लें तो दिस शुड बी इक्वल टू काई इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा ए का डैगर और उसके साथ साई का ब्रा आ जाएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास रिलेशन इस तरह बनना चाहिए इससे दोनों तरफ इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेने से। तो अब हमने इस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर का नाम दिया है कि ये हमारे पास अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इट मीन्स कि काई शुड बी इक्वल टू साई इंटू डेल्टा ए, यानी डेल्टा ए डैगर विल बी इक्वल टू डेल्टा ए फॉर एन हर्मिशियन ऑपरेटर। इसी तरीके से फाई को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये साई इंटू डेल्टा बी से डिनोट किया जा सकता है। तो अब यहाँ से अगर हम काई इंटू काई की बात करें तो उस सूरत में रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा,
यानी ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए स्क्वेयर हासिल हो जाएगी। इसी तरह हम फाई इंटू फाई कैट ब्रा के साथ हासिल कर सकते हैं डेल्टा बी स्क्वेयर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा बी स्क्वेयर। और अगर हम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को यहाँ पे इन ऑपरेटर्स के लिए यूज़ करें डेल्टा ए और डेल्टा बी के लिए, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, डेल्टा ए स्क्वेयर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए स्क्वेयर एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू काई इंटू काई एंड फाई इंटू फाई विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल्टा ए डेल्टा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए डेल्टा बी होल स्क्वेयर। यहाँ से हमने रिलेशन को यूज़ किया कि काई इंटू काई की जगह पे हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए स्क्वेयर लिख दिया, फाई इंटू फाई की जगह पे हमने डेल्टा बी स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दी, इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू यहाँ पे साई की जगह पे डेल्टा ए लिख दिया हमने और फाई की जगह पे हमने डेल्टा बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दी। इट मीन्स कि ये हमारे पास डेल्टा ए डेल्टा बी ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी, बिकॉज यहाँ से मैं इसको भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास बिकॉज साई इंटू फाई होल स्क्वेयर, असल में क्या है कि साई की जगह पे हम सॉरी मुझे यहाँ पे काई लिखना चाहिए था, तो काई इंटू फाई होल स्क्वेयर आना चाहिए। तो यहाँ पे काई इंटू फाई स्क्वेयर का मतलब क्या होना चाहिए कि ये काई की जगह पे हम लिख सकते हैं, चूँकि ये ब्रा हमारे पास काई, तो ब्रा काई हमने लिखा है कि ये साई इंटू ए के बराबर है, साई इंटू ए के बराबर है। और कैट फाई हमने अगर देखा जाए तो कैट फाई हमारे पास यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि ये डेल्टा ए है और ये डेल्टा बी इंटू फाई के बराबर है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए डेल्टा बी के बराबर आएगा, इसके स्क्वायर की सूरत में हमने इस तरह लिख दिया। तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की मदद से हमने लिखा डेल्टा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा बी का स्क्वायर का मल्टीपल मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा ए डेल्टा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया फॉर दीज टू ऑपरेटर्स जो कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि ए बी कम्यूटेटर और उसके साथ डेल्टा ए बी हमारे पास एंटी कम्यूटेटर दोनों को ऐड करते हैं। अब इसको अगर हमने डेल्टा ए और डेल्टा बी के लिए ए करना हो तो वी कैन डिफाइन इट एज डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी कम्यूटेटर प्लस एंटी कम्यूटेटर ऑफ डेल्टा ए डेल्टा बी। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ए डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी डेल्टा ए, ये हमने कम्यूटेटर के लिए लिख लिया, और प्लस हमने किया डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी डेल्टा ए, ये हमने एंटी कम्यूटेटर के लिए रिलेशन लिख दिया। तो यहाँ से अब देखें तो डेल्टा बी डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा ए ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा टू इंटू डेल्टा ए डेल्टा बी, यानी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी विद टू। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ डेल्टा ए डेल्टा बी विल बी इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास टू आया है इसके साथ और इसके साथ लेके जाना चाहें तो वी कैन राइट इट एज वन ओवर टू ऑफ कम्यूटेटर डेल्टा ए डेल्टा बी माइनस वन बाई टू ऑफ कम्यूटेटर डेल्टा ए एंड सॉरी
एंटी कम्यूटेटर ऑफ डेल्टा ए डेल्टा बी, यानी हमने इस टू को इन दोनों के साथ वन ओवर टू की सूरत में लिख दिया, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर एंड एंटी कम्यूटेटर। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम जानते हैं कि कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए बी इज एंटी हर्मिशियन, यानी कम्यूटेटर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कम्यूटेटर लेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। दूसरा, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंटी हर्मिशियन इज इमेजिनरी, कि हम जानते हैं कि किसी भी एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर इज इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होती है। और इसके साथ हमारे पास जो ऑपरेटर है ए कॉमा बी, ये हमेशा हर्मिशियन होता है, क्योंकि तरतीब बदलने से हमारे पास दरमियान में प्लस साइन होने की वजह से नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। और हर्मिशियन ऑपरेटर की किसी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर लें हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए, वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज़ रियल, ये हमेशा रियल होती है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो इस वजह से अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वेयर ले लूँ तो उस सूरत में रिजल्ट क्या आएगा। स्क्वेयर लेने का मतलब क्या होगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर लूँ तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी, इसी तरह राइट हैंड साइड की सूरत में भी वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाती है। तो इट मींस कि ये हमारे पास डेल्टा ए डेल्टा बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वेयर विल बी इक्वल टू वन, इसका स्क्वेयर लेंगे तो 1/4 हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो बन जाएगी डेल्टा ए डेल्टा बी इसका स्क्वेयर माइनस 1/4 ऑफ, इसके लिए भी इसी तरह डेल्टा ए डेल्टा बी लिखेंगे और इसका स्क्वेयर ले लेंगे। तो ये हमारे पास डेल्टा ए डेल्टा बी इस सूरत में अगर हम देखें तो ये इमेजिनरी वैल्यू है, ये हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें तो उस सूरत में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू सम ऑफ दिस इज़ इमेजिनरी वैल्यू एंड दिस इज़ दी रियल वैल्यू, सॉरी यहाँ पे साथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यूज बनेगी जी। तो यहाँ पे हमने ऐड किया था तो ये प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस साइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू का सम होगी इसकी डेल्टा ए डेल्टा बी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वेयर, यानी ये हमारे पास रियल पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर ये रियल पॉजिटिव वैल्यू है और इन दोनों का सम हमारे पास ये हासिल हो रहा है तो वी कैन राइट इट एज इनइक्वालिटी डेल्टा ए डेल्टा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड होल स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4 ऑफ डेल्टा ए डेल्टा कॉमा डेल्टा बी, ये हमारे पास इसके स्क्वेयर के ग्रेटर या उसके इक्वल होगी, बिकॉज दिस पॉजिटिव रियल वैल्यू को अगर हम यहाँ से ड्रॉप आउट कर दें। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को जो हम यहाँ पे श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी से बना चुके हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जो अभी हमने
ड्राइव की है। तो इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमारे पास देखा जाए तो डेल्टा ए स्क्वायर इंटू डेल्टा बी स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा ए डेल्टा बी होल स्क्वायर के बराबर, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड सेम है। तो इट मीन्स अगर ये सेम है तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी होगी। तो वी कैन राइट इट एज डेल्टा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। अब ये रिलेशन हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिलेशन की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाता है, इससे हम आगे लेके चलते हैं। अगली वीडियो में हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कम्यूटेटर्स ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। उम्मीद है कि यहां तक तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट्स को देखने के लिए अगली वीडियो की तरफ चलें। अल्लाह हाफिज़।